Assalamu alaikum and welcome to my channel AHA Assistance. Dear students, आज की इस वीडियो में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रही हूँ. जिन स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स आ चुके हैं या जिन स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स अभी आना बाकी हैं, आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए इंशाल्लाह ये गुड न्यूज ही होगी. सो ऑब्वियसली टिल एंड वीडियो को वॉच करिएगा ताकि तमाम इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हो सके. सो डियर स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स आ चुके हैं, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर एफर्ट्स एंड ऑन योर रिजल्ट. और अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जिनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए और वो चाहते हैं कि वो इम्प्रूव करें या वो दोबारा से अपने एग्जाम कंडक्ट करवाना चाहते हैं, तो ऐसी सिचुएशंस में उनके पास बहुत अच्छी ऑप्शन मौजूद है, दैट इज स्पेशल एग्जाम्स. स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग कर रहे हैं अबाउट स्पेशल एग्जाम्स, तो डियर स्टूडेंट्स, स्पेशल एग्जाम्स आपके इंशाल्लाह नवंबर में कंडक्ट होंगे. कब कंडक्ट होंगे, किन डेट्स में कंडक्ट होंगे, इसका क्या प्रोसीजर होगा, कैसे अप्लाई करना है, तमाम डिटेल्स इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करूंगी. इससे आप लोगों ने इस हवाले से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना. बस जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं और वो एग्जाम दोबारा से देना चाहते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स आज से ही अपनी तैयारी करना शुरू कर दें, बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें. सो साथ ही साथ अब मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज शेयर करती चलूं. सबसे पहले तो आज एक बहुत अहम मीटिंग भी कंडक्ट होने जा रही है 28 सितंबर को, पर ये मीटिंग का बेसिक एजेंडा है स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में कोविड 19 के सिचुएशंस को देखते हुए ओपनिंग या रीओपनिंग या क्लोजर का फैसला करना. जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ सिटीज ऐसी हैं जहां पर अभी तक स्कूल्स कॉलेजेस बंद हैं, तो उधर ये डिसाइड किया जाएगा कि क्या उधर रीओपन किए जाए या नहीं, और जहां पर ऑलरेडी ओपन है वहां पर भी सिचुएशंस का जायजा लेते हुए फर्दर फैसले किए जाएंगे. ये तो हो गई स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के ओपनिंग या रीओपनिंग या क्लोजर के हवाले से बातें. पर अब गुड न्यूज क्या है कि जिन स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं उनके लिए स्कॉलरशिप अरेंज किया जा रहा है. डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं, वो उसकी डिटेल अगर कोई जानना चाहता है तो मुझे कमेंट कर सकता है. लेकिन ये कि डिफरेंट स्कॉलरशिप्स गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किए जा रहे हैं क्योंकि उनके मार्क्स की वजह से. लेकिन एक बात साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट मैं न्यूज आपको देती चलूं कि जिन स्टूडेंट्स जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एमडी कैट का टेस्ट दिया था पर वो अपने टेस्ट के रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, ऐसे स्टूडेंट्स, तो उम्मीद की जा रही है कि आपका एमडी कैट टेस्ट रिकंडक्ट किया जाएगा क्योंकि काफी ज्यादा प्रेशर है पीएमसी पे और तमाम जो एमडी कैट से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है. तो इस वजह से उम्मीद की जा रही है कि आपका रिकंडक्ट होगा. तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें ताकि जो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है वो मजीद उसमें इंप्रूव कर सकें. होप्स आपके लिए तमाम इंफॉर्मेशन हेल्पफुल रही होगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल. स्टे ट्यून्ड. अल्लाह हाफिज़.